आज झांसी पहुंचे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेने की बात कही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कोरोना से हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया गया, जिससे लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा हुए। उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव के बयान को दोहराते हुए बताया कि अखिलेश ने वैक्सीन को लेकर यह कहा था कि वैक्सीन भाजपा की है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई लेकिन वैक्सीनेशन का फोटो सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में महोबा वैक्सीनेशन के मामले में अग्रणी रहा है, वहीं महोबा में अब कोरोना मुक्त भी है। वहीं उन्होंने ललितपुर में प्रशासन की लापरवाही उजागर करते हुए बताया कि वैक्सीनेशन की सूचना गांव-गांव तक पहुंचाने में अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जालौन हमीरपुर की स्थिति को भी बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन कार्यक्रम में वीडियो सचिव व ग्राम प्रधान को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी और हर नागरिक को भी वैक्सीन के लिए गंभीर होना पड़ेगा, तब जाकर हम कोरोना की इस जंग को जीतने में कामयाब होंगे। यह हमारा दौरा टीकाकरण को लेकर है, 16 तारीख से शुरू हुआ है चित्रकूट से और 23 तारीख को आज इसका समापन है। हमने सारे 7 जिलों को कवर किया है और बहुत अच्छी स्थिति महोबा की है। महोबा हमारे प्रदेश में 4 नंबर पर है, उसके बाद बांदा, चित्रकूट और फिर हमीरपुर और उरई। झांसी की तो आज मुझे पता नहीं, आज मिलूंगा सबसे तब पता चलेगा, लेकिन ललितपुर सबसे ख़राब स्थिति में है। ललितपुर में रेजिस्टेंस भी है और मुझे लगता है कि ललितपुर में कहीं प्रशासनिक व्यवस्था से कमजोरी चूक हुई है। अभी तक ललितपुर की जागरूकता टीकाकरण को लेकर इतनी अच्छी नहीं है। झांसी से आर्यन शर्मा के साथ रवि परहार की रिपोर्ट।